आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप एक नए पैन कार्ड के लिए घर बैठे कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जो है तो घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपके पास आधार कार्ड, बस इतनी चीजें होनी जरूरी है। और अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तो आप घर बैठे आप जो है तो ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको पैन कार्ड ऑफिस फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ेगा। और अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप घर बैठे फोटो सिग्नेचर के साथ आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में तक, मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप एक नए पैन कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और कैसे फोटो और सिग्नेचर आपका उस पैन कार्ड में आ जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में तक। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत। चलिए शुरू करते हैं। पैन कार्ड ऑनलाइन बनवाने के लिए आपको NSDL की ऑफिशियल साइट पर आना है। इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं onlineservices.nsdl.com, तो ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन की साइट पर आ जाएंगे। जैसे इस साइट पर आएंगे इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर्ड यूजर दो ऑप्शन मिलेंगे। रजिस्टर्ड यूजर तब के लिए होता है जब आपने अप्लाई ऑनलाइन किया है और कहीं पर आपका फॉर्म जो है तो वहीं से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आप रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करके दोबारा वहीं से फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा फ्रेश एप्लीकेशन है तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप आपको चूज कर लेना है, न्यू पैन सिटीजन इंडिया 49A। यहाँ पर कैटेगरी मिल जाएगी, तो जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी इंडिविजुअल चूज कर लेंगे। यहाँ पर टाइटल आपको मिल जाएगा श्री स्मृति कुमारी जो भी रहेगा, तो यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, अगर आपका कुछ है तो लास्ट नेम डालेंगे। और यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई फर्स्ट नेम है और मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो लास्ट नेम में ही आपको नाम डालना होता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे स्टार लगा हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले ईयर चूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ से मंथ चूज़ करेंगे और यहाँ पर आप डेट पर क्लिक कर देंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर जो आपको कैप्चा कोड दिखेगा तो यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। यहाँ पर जो स्मॉल में रहेगा तो स्मॉल में डालेंगे, जो आपका कैपिटल में रहेगा तो यहाँ पर कैपिटल में डालेंगे। लगभग यहाँ पर सभी कैपिटल में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक नॉलेजमेंट नंबर यानी एक टोकन नंबर दे दिया जाता है। ये टोकन नंबर आपको कॉपी कर लेना है। इसके साथ ही जो आपका टोकन नंबर होता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर भी सेंड किया जाता है। उसके बाद कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसका देखेंगे तो 5 स्टेप्स में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC e-sign पेपरलेस। पेपरलेस में क्या होगा कि 2 घंटे के अंदर आपको आपका पैन कार्ड मिल जाएगा, लेकिन उसमें फोटो सिग्नेचर आपका नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, अगर आप अपना फोटो सिग्नेचर वाला पैन कार्ड बनाना चाहते हैं थ्रू e-sign, तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में क्या है, फिजिकली रूप से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना होगा यहाँ पर पैन कार्ड ऑफिस में। यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है सेकंड ऑप्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। अगर आप फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर्ड है तो यस करेंगे। इसका चार्ज यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन के लिए 107 रुपये है, फॉरेन के लिए 1,017 रुपये है। और अगर आप फिजिकल पैन कार्ड नहीं लेंगे तो फीस अप्लीकेबल आप देख सकते हैं कि 66 रुपीज आपका यहाँ पर ई-साइन EKYC पेपरलेस के लिए, और फिजिकल मोड के लिए आपका यहाँ पर 72 रुपीज होता है। उसके बाद नीचे आएंगे, आधार नंबर मिल जाएगा ओनली फॉर इंडिविजुअल। तो यहाँ पर आपका लास्ट 4 डिजिट का यहाँ पर आपको नंबर डालना है, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट 4 डिजिट। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर नेम एज पर आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड पर जो नाम रहेगा वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। तो जो नाम यहाँ पर रहेगा आपके आधार कार्ड पर, आधार कार्ड वाला नाम डालेंगे। यहाँ पर नेम, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पर डालेंगे आपका आ जाएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर जेंडर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर छोड़ देंगे। हैव यू बीन अदर नेम,
कि आप कोई अदर नेम से जाने जाते हैं तो यहाँ पर नो रहने देंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे आपका नो रहेगा, यहाँ पर बोला जा रहा है वेदर मदर इज सिंगल पेरेंट, क्या मम्मी आपकी सिंगल पेरेंट है, तो यहाँ पर नो रहने देंगे क्योंकि आपका फादर भी रहेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे कि क्या आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम आप चाहते हैं, तो यहाँ पर फादर नेम आप चाहते हैं तो यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, फादर का यहाँ पर सर नेम डालेंगे, उसके बाद फादर का यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे। और यहाँ पर अगर आप अपने पैन कार्ड पर चाहते हैं कि मदर नेम प्रिंट रहे तो यहाँ पर मदर नेम ऑप्शनल है, डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि पैन कार्ड पर आपके फादर का नाम ही रहता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे पेरेंट्स, यहाँ पर नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, यहाँ पर आप नाम डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन प्रिंट किसका चाहते हैं पैन कार्ड पर, फादर का, तो यहाँ पर फादर नेम रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ अपनी पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है, जैसे सोर्स ऑफ इनकम, नो इनकम है तो यहाँ पर नो इनकम डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर रेजिडेंस है आपका, उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे रेजिडेंस एड्रेस, आप यहाँ पर आप फिल करेंगे रेजिडेंस एड्रेस कौन सा फिल करेंगे, जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस रहता है वही एड्रेस को यहाँ पर आपको फिल करना है। टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, रिप्रेजेंट एसीसी में यहाँ पर नो रहेगा, यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर वगैरह डालना होता है तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी, तो नीचे यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इंडियन सिटीजन आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर सिटी मिल जाएगी तो यहाँ से आप अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पर देखिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को देना है, तो यहाँ पर आपको जैसे प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पर आप क्या देना चाहते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मिलेगा तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस पर यहाँ पर हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तीनों पर यहाँ पर हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन में नाम आ जाएगा, यहाँ पर आप सिटी पर हिमसेल्फ हरसेल्फ आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लेस मिल जाएगा तो यहाँ से प्लेस चूज कर लेंगे। डेट आ जाएगा, नीचे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने मेन चीज़ जो आपको बताया था, आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर जो आपका फोटो रहेगा, फोटो का साइज़ यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 से 2.5 सेंटीमीटर, इसके साथ ही फाइल का साइज़ के भी जो है तो 50 के बी से नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ये आपका फोटो का है। इसके साथ ही सिग्नेचर का यहाँ पर 2 से 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि पैन कार्ड के लिए कैसे आप फोटो और सिग्नेचर का रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। ऐड डॉक्यूमेंट्स पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ भी जहाँ आपने अपना पीडीएफ फॉर्मेट में फोटो रखा है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, यहाँ पर देखिए योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड प्लीज कंफर्म डिटेल, यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको कंफर्म करना है। यहाँ पर आधार नंबर का फर्स्ट 8 डिजिट आपको डालना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट आ जाएगा, यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड आप लेना चाहते हैं, अदर नेम कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप सीधे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, कॉन्टेंट एंड अदर्स डिटेल आ जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगी, सारी डिटेल्स यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, एओ कोड वगैरह आपका आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में आएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड का ऑप्शन, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट आ जाएगा, यहाँ पर आपको पेमेंट करना है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करना है या फिर ऑनलाइन थ्रू बिल्डेक्स के या फिर ऑनलाइन थ्रू पेटीएम, तो यहाँ पर पेटीएम के थ्रू मैं ना करना चाहता हूँ तो यहाँ पर पेटीएम वाला ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे 106.90 रुपये, इसके साथ ई साइन चार्ज यहाँ पर लग जाता है कुछ, तो यहाँ पर आप सीधे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे इतना आपका चार्ज लगेगा, यहाँ पर पे कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे पे कंफर्म करेंगे उसके बाद रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप पेमेंट गेटवे पर, यहाँ पर इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। यहाँ पर देखिए प्रीपेड डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई, जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस मेथड से भी आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यूपीआई वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पर यूपीआई आपको डालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर मैं अपने पेटीएम से पेमेंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर स्कैन किया है मैंने क्यूआर कोड और स्कैन करके यहाँ पर मैं पेमेंट कर देता हूँ, मेरे पेटीएम से पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल
हो गया है और जैसे, और उसके बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, यहाँ पर आपको टोकन नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आप ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ऑथेंटिकेट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करना है, ओटीपी ऑथेंटिकेशन ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है आधार कार्ड से लिंक वाला उस पर ओटीपी सेंड किया जाता है। यहाँ पर हमारे नंबर पर ओटीपी आ गया तो यहाँ पर हम ओटीपी डालेंगे और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके नंबर पर ओटीपी नहीं आता है तो दोबारा आप ओटीपी मंगा सकते हैं, रिसेंड करेंगे। कंटिन्यू विथ ई साइन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर अगेन आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू विथ ई साइन करेंगे तो यहाँ पर ई साइन आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए ई साइन करने के लिए आप NSDL पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और NSDL के थ्रू यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को वैलिडेट करना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर डालेंगे, अगर आपके पास VID नंबर है तो VID नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आधार नंबर है, आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है अगेन उस पर OTP सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे नंबर पर OTP आ गया, यहाँ पर हम OTP डालेंगे और उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। OTP पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपने ई साइन करके EKYC करके अपना जो है तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बनाया है तो यहाँ पर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाएगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड PDF पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका फॉर्म है इसको आपको नो नीड टू फॉरवर्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, आपका डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आपका पैन कार्ड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है बनने तरीके से। दोस्तों आप ऑनलाइन घर बैठे फोटो और सिग्नेचर के साथ आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं मात्र 107 रुपये में। तो आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपका भी पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, नीले 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए टेक केयर।